हम एक और पॉइंट मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने रेजोनेंस पढ़ लिया अच्छे से, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमने यही पढ़ा है ना। ठीक है, तो मेसोमेरिक में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो हम मेसोमेरिक को रेजोनेंस बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेंजीन के अंदर स्पेशली बताने की कोशिश कर रहा था। तो काम की बात क्या है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है, किस तरह से आओ देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक बेंजीन रिंग है, पहले बेंजीन को समझो, आप समझ में आ रहा है? ये बेंजीन है, आप इसको ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा प्लेनिंग प्लेन बनाते हुए। तो ये जो आपके पास अल्टरनेट में पाई बॉन्ड है, इसको और अच्छे से समझिए एक और तरीके से, कि यहां आपके पास जितने भी पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हैं। ठीक है, और इन डीलोकलाइजेशन में यहां पूरा का पूरा ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिंग बन रहा है, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे आएगा। नीचे वाला पार्ट मैं इस तरह से बना देता हूं, या सुनो, यानी कुल मिला के आपको बी एक तरह से सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर मिल रही है, बीच में सिग्मा, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, या सुनो। तो अपने आप में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज है, यानी बहुत चारों तरफ से भी कोई ऊपर से देखेगा या नीचे से देखेगा, उसे क्या दिखाई देगा, उसे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखाई देगा। दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, यानी यहां हमारे पास कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर आप टॉप पोजिशन से देखो, या टॉप हो या बॉटम हो, टॉप और बॉटम बोथ द पोजिशंस हैविंग स्ट्रॉन्ग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। स्ट्रॉन्ग का मतलब मेरे पास यहां पर है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सो दैट बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो बेंजीन अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास आ जाए, पक्का। बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। थर्ड पॉइंट, अगर बेंजीन इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो बेंजीन अपने आप में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन है, सामने वाला रिएक्टेंट करेगा, तो कोई भी रिएक्शन होगी जो बेंजीन है, तो सामने वाला जो भी रिएजेंट होगा जो उसके साथ रिएक्शन करना चाहता है और प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो ये रिएजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? हाँ। और अगर ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो फोर्थ पोजीशन जो आपके पास और अच्छा पॉइंट बन रहा है, बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफाइल जनरली इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ESR इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो हमने इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट अभी कहां पढ़ा? कहीं नहीं। अभी तो हम बेंजीन के बारे में ही समझ रहे हैं कि बेंजीन कुछ इस तरह से होती है और इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या होती है कि कुछ ग्रुप है जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं और कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर, कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, अब डेफिनेशन ऑफ मेसोमेरिक आ रहा है आपके लिए। डेफिनेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट,
किस तरह से डेफिनेशन चल रही है? बाय एक्सटर्नल ग्रुप, बाय एक्सटर्नल ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। यानी बाय एक्सटर्नल ग्रुप रेजोनेंस, आप रेजोनेंस डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। देन जनरेट देन फिनोमिना इज कॉल्ड या इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड ग्रुप इज कॉल्ड मेसोमेरिक ग्रुप। सही है। तो अभी तो हमारे को पहले ये समझना है कि मेसोमेरिक ग्रुप इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल सा, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, पक्का ऑक्सीजन, यानी एक ओ एच फिनोल हमने ले रखा है, इसका कॉमन नेम क्या है? फिनोल है। तो ये पाई ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? और उसकी वजह से ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा इससे? आपको ये चीज दिखाई देगी, यहां माइनस आ चुका है, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है क्योंकि इसने पाई बॉन्ड दिया है, तो ये प्लस। बोलो समझ में आई बात? फिर उसके बाद ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, आपने रेजोनेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये वाला इस तरफ आएगा, हाँ या ना? तो फिर रेजोनेंस होगा और आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और ऑक्सीजन पे यहां प्लस। सही है। फिर ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है क्या? नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस तरफ गया, ये यहां गया, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। यहां माइनस है, डबल बॉन्ड ओ एच ऑक्सीजन पे प्लस है, और कुछ इस तरह की है। फिर ये यहां जाएगा और ये वापस बैक टू पेवेलियन अपनी तरफ चला जाएगा। कुल मिला के हमारे को पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल गई, आपको मिल गई ना? तो 1 2 3 4 5 ये सब एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम तो इसको रेजोनेंस ही बोलेंगे। लेकिन मेजो ने कहा कि मैं इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है तो मेरा भी नाम हो जाए थोड़ा, तो इस इफेक्ट को जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, यहां तो बढ़ रही है, इसको नाम रेजो के अलावा मेसोमेरिक भी कहा जाए। इज दैट क्लियर? तो अबव इफेक्ट ऑल्सो नोन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है? हाँ, तो कभी कम भी हो सकती है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के बाद बारे में क्या पॉइंट्स हमारे पास आएंगे? तो हेडिंग क्या रहेगा एग्जाम्पल में? मेसोमेरिक इफेक्ट इन फिनोल, हेडिंग रहेगा मेसोमेरिक इफेक्ट इन फिनोल, और उसके बाद ये चीज लिखेंगे आप। अब इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे, लिखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट यहां केस स्टडी लिखिएगा आप, और क्या लिखेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट इन फिनोल, ये हमारा मेन एग्जाम्पल की जगह टॉपिक भी हो सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट इन फिनोल। और यहां पर की पॉइंट हमारे पास आएंगे, फर्स्ट जो आपको भी लग रहा है, इन द फिनोल
ड्यू टू ओएच ग्रुप, ड्यू टू ओएच ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस, सही है। फिनोल नहीं था तो बेंजीन कुछ इस तरह की हुआ करती थी। अब बात को समझिए, नॉर्मल पक्का फिनोल माल क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी, हाँ हर जगह होती थी। मान लीजिए यहां पर -100 -100, ये मेरे डाटा से समझाने के लिए -100 -100 -100 -100 है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी -100 है, सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन अगर फिनोल ग्रुप आ गया आपके पास OH है, तो अब आप मुझे बताइए इसके अंदर, यहां पर तो -100 ही है, ठीक है समझना बात को, यहां पर माइनस डेल्टा चार्ज कहां पर आया था, ऑर्थो एंड पेरा, ध्यान से सुनना, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, अल्टरनेट पोजीशन पर है। इस जगह कभी आपको माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है, इस जगह इस पोजीशन में नहीं, यहां नहीं दिखाई दे रहा, यहां नहीं दिखाई, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी, मैंने मान लिया ये -120, ये मेरे पास 100 ही रहेगा। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग में बढ़ती है, लेकिन हर जगह नहीं बढ़ती, समझ में आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे बढ़ती है, ऑर्थो एंड पेरा। तो सेकंड पॉइंट भी हमारे पास हो रहा है इसको लिखने के साथ, ड्यू टू रेजोनेंस या मेजो इन फिनोल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस ड्यू टू मेजो, मेजो का मतलब पूरा आ गया फिर, मेसोमेरिक इफेक्ट इन फिनोल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस, सो रिएक्टिविटी ऑफ ESR, ESR का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस, बट इंक्रीजेस बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, बट हटा के चाहे तो आप अगला पॉइंट ही बना लें, थर्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो दैट ESR इज मोर इफेक्टिव ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो मैं इस चीज को और अच्छे से समझा रहा हूं आपको, ये आपके पास फिनोल है, ये आपके पास क्या है, फिनोल है, और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को मैं एक तरह से ई प्लस से या ई से शो करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लस का मतलब इसके पास प्लस चार्ज डेंसिटी है, ये आएगा और अटैच होगा कहां पर, या तो यहां पर और यहां, या फिर
यहां पर, सही है, बोलो यस। लेकिन यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहेगा? कम रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस, और यहां ज्यादा रहेगा। तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हाई। ये स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या एक तरह से? हाई। ये स्टेरिक हिंड्रेंस है इस ग्रुप और इस ग्रुप में रिपल्शन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये। और माइनर कौन सा होगा? ये। और बहुत ही कम क्वांटिटी में मेटा पोजीशन में, इतना कम कि उसे हम नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको एक और पॉइंट लिखाने से पहले मैं एक बार समझा देता हूं मेसोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशंस क्या है। हम अच्छे से जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में है। ये तो अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो जिसकी वजह से रेजोनेंस हो, और रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उस ग्रुप को मेसोमेरिक ग्रुप बोलेंगे और उस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है? अच्छा, फिनोल के अंदर फिर मैंने जब बात करी तो मैंने देखा कि ये एक तरह से लोन पेयर दे रहा है, ले तो सकता नहीं है। क्या लग रहा है आपको पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, पक्का, क्योंकि लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? लोन पेयर दे देगा। यहां पर ये लोन पेयर कहां पर है? एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो यही रेजोनेंस हो सकता है, बाकी कोई और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सही है? ये ले नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन तीन वैलेंसी और विद नेगेटिव चार्ज, उसके पास कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो है नहीं, रखेगा कहां पर? ले भी लेगा तो आप ये मत सोचो कि ले लेगा ऑक्सीजन, कैसे ले लेगा? पक्का? तो लेगा ही नहीं क्योंकि उसे रखने के लिए ऑर्बिटल नहीं है उसके पास। उसके तो सारे ऑर्बिटल में ऑलरेडी लोन पेयर पड़े हुए हैं या बॉन्ड बने हुए हैं, वो लेके रखेगा कहाँ? तो वो ले ही नहीं सकता, मना कर देगा। दे तो सकता है अपना लोन पेयर एटॉमिक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो एक तरह से ये पूरा रेजोनेंस हमने देखा है और आज तक पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें पता चला कि इस पूरे रेजोनेंस की वजह से हमारा जो हाइब्रिड बन रहा था वो कुछ इस तरह का बन रहा है, डॉट 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 ओ एच, यहां माइनस डेल्टा, यहां माइनस डेल्टा, यहां माइनस डेल्टा, तो प्लस डेल्टा कहां? यहां। ये इसका हाइब्रिड बनेगा, आप चाहें तो इसको भी लिख लें। तो हाइब्रिड जब बन रहा है तो उसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? और नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है ऑर्थो पोजिशन और पेरा पोजिशन पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? ऑक्सीजन पे। और ऑल न्यूट्रल हो गया, पहले भी न्यूट्रल था फिनोल भी। तो मैंने आपको यही लिखा था, इन फिनोल ड्यू टू ओ एच ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस। बिल्कुल सही है, इंक्रीजेस हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस हो रहा है ऑर्थो एंड पेरा पे, तो दूसरा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ईएसआर की कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, आसानी से होगा। तो हम इसको फिनोल को इस तरह से देख रहे हैं कि ड्यू टू मेसोमेरिक फिनोल इन फिनोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीजेस, सो रिएक्टिविटी ऑफ ईएसआर इंक्रीजेस। फिर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो दैट ईएसआर इज मोर इफेक्टिव ऑन ऑर्थो एंड पैरा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा उसे इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल तब होता है जब सामने वाले के पास पॉजिटिव चार्ज हो, और इलेक्ट्रोफाइल तब अटैक करता है जब सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन हो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल वो सारी स्पीशीज होगी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। सीधा चल गया, जैसे सी प्लस, जनरली सी प्लस ही होता है, तो वो वहां चला गया और अटैक कर गया और यहां पर हमारे पास हो गया। लेकिन दो पॉइंट और हैं जो आप लिख सकते हो इसी के अंदर, किसके अंदर? फिनोल के लिए हमने तीन पॉइंट लिख दिए, तो दोनों पॉइंट को मैं मिला के लिख सकता हूं। आप ही बताइए, फिनोल में ओएच की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, रिएक्टिविटी बढ़ी, तो इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो हम वापिस आते हैं, फोर्थ, फिनोल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, फिनोल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप।
और एक्टिवेटिंग ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्लस एम ग्रुप, जितने भी प्लस एम ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, एम का मतलब मेजो और प्लस का मतलब देने वाले, पक्का? तो फिनोल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस एम ग्रुप एंड ऑल्सो नोन बाय ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्योंकि जो भी ईएसआर होगी वो ऑर्थो और पैरा पे होगी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए फिनोल के लिए हो गया। साउंड अच्छे से क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, तो क्या फिनोल के अंदर आपने जो देखा है वो अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ हमारे पास मेसोमेरिक हो रहा है और बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को हमें यहाँ मिला फिनोल के अंदर। तो क्या कोई ऐसा ग्रुप भी है जो डीएक्टिवेटिंग हो, तो वो किस तरह से होगा? तो चलिए हेडिंग डाल रहे हैं, लेकिन हाँ हमें हेडिंग डालने से पहले इतना तो समझ में आ गया कि फिनोल को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं, फिनोल को हम प्लस एम ग्रुप बोल सकते हैं, फिनोल को हम ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल सकते हैं। तीन नाम हमने पढ़ लिए, क्या क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेटिंग, प्लस एम ग्रुप, ऑर्थोपेरा, ये तीनों नाम एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक और केस स्टडी हो रही है, फिनोल के अगेंस्ट में हम ऐसा ग्रुप लेंगे जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। चलिए वो कैसा होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसको समझते हैं। यानी हमारा मेन हेडिंग रहेगा अब इस जगह मेसोमेरिक इफेक्ट इन बेंजल्डिहाइड। ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब बताइए ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की यहां पर देने की टेंडेंसी होगी या ये खींचने की होगी? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा खींचने की, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा और कार्बन पे इसकी वजह से कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो अब आप देखना इस जगह क्या आ रहा है, यहां पर ये इस तरफ गया, यहां आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, बोलो यस। इस वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं, उसकी पहले भी फोर वैलेंसी थी, अब भी फोर वैलेंसी है, लेकिन ये वाला चार्ज, ये पाई बॉन्ड इधर गया है, ये यहां गया है। अब नेक्स्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है बेंजीन रिंग में, क्या ये उल्टा देने की कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। तो ये तो हमारे पास अभी तक तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिला आपको, ठीक है। अब आगे हम सिर्फ पाई बॉन्ड के मूवमेंट को बताते हैं, प्लस चार्ज अपने आप ही होता है। तो अगला इफेक्ट, आप अगला मूवमेंट यहां होगा, और प्लस चार्ज हमारे पास यहां आएगा, डबल बॉन्ड सी ओ माइनस। फिर अगला मूवमेंट हमारे पास ये वाला मूवमेंट यहां आएगा, प्लस चार्ज हमारे पास यहां आएगा और ये इस तरह का रहेगा। नेक्स्ट मूवमेंट जो होगा हमारा इसके बाद वो कुछ इस तरह का होगा। तो हमारे को कुल मिला के फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है, इन फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मेरा हाइब्रिड कुछ इस तरह का बन रहा है। ऑक्सीजन में माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा,
समझ में आ गया। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये बेंजीन है, पक्का हर जगह 100 माइनस 100 माइनस 100 माइनस 100 माइनस 100 हो चुका है, पक्का अच्छे समझ में आ रहा है। और ये आपके पास बेंजाल्डिहाइड है, जो कि इसकी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम, कहां कम कर रहा है ये, ऑर्थो और पेरा पे। तो जो माइनस 100 है वो तो ठीक है आपके पास, लेकिन क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है थोड़ा सा, तो यहां पर ये वैल्यू माइनस 100 की जगह क्या हो जाएगी, अब माइनस 80। भाई आपके पास माइनस 100 का चार्ज था, थोड़ा सा प्लस आ गया, तो अब आपके पास ये नहीं कि प्रॉपर प्लस आ गया, यहां प्लस आने का मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो गई है, लेकिन है तो अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अभी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो है कुछ, तो कहां कहां फर्क पड़ेगा उसका, इन जगह पे ज्यादा रहेगा। कुछ समझ में आ रही है बात, बोलो यस। तो हो ये रहा है मेरे पास कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन डिक्रीज भी हो गई, लेकिन कहां ज्यादा डिक्रीज हुई है दिस। तो देखिए पहली चीज जो बेंजाल्डिहाइड के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करिए, न कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज लाया, बस आप इस चीज को ऐसे समझे। तो ESR अभी भी देगा, लेकिन पहले के कंपेयर में कम, ये नहीं कि अब वो न्यूक्लियोफाइल दे देने का देने लग जाएगा, NSR देने लग जाएगा, नहीं, अब वो क्या देगा, ESR ही देगा, लेकिन पहले से कम। भाई मेरे पास 1 करोड़ था, 1 करोड़ और 50 लाख और आ गए, 1.5 करोड़ हो गया, 50 लाख चले गए, 50 लाख रह गए, तो कुल मिला के अभी भी मैं पैसे वाला तो हूं, भिखारी तो नहीं बनूंगा मैं, ठीक है, वही हाल कुछ इसका हो रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आएंगे बेंजाल्डिहाइड के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट या की पॉइंट ऑफ बेंजाल्डिहाइड। पहला, फर्स्ट पॉइंट, CHO ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। लिखिए, तो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दिया है, लेकिन इसी वजह से शायद हम इसको क्या बोलेंगे, CHO ग्रुप इज नॉन बाय डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग थर्ड पॉइंट, CHO ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पेरा पोजिशंस, ऑर्थो एंड पेरा पोजिशंस, ऑर्थो एंड पेरा पोजिशंस, सो दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक और अटैच्ड ऑन मेटा पोजिशंस।
आएगा तो अभी भी इलेक्ट्रोफाइल ही, लेकिन अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? मेटा पे, क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? मेटा पे, सही है, -100 मेटा पोजीशंस, एंड सो दैट CHO कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है या कम करी है? कम करी है. तो कम करिए तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप, यानी हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को क्या बोलेंगे? माइनस एम ग्रुप. सीएचओ ग्रुप इज नॉन बाय डीएक्टिंग ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, समझ में आ रहा है? तो इसके दो दो नाम है और तीसरा नाम एक को रख दिया हमने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी माइनस एम ग्रुप हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो प्लस एम होते हैं और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं. और भले ही ऑर्थोपेरा हो या मेटा हो, कोई भी ग्रुप हो, प्लस एम हो या माइनस एम, देते ई एस आर हैं, लेकिन जो ऑर्थोपेरा होते हैं वो आसानी से देते हैं और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो रो रो के देते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल तो कम हुई है. कहां तो अटैक कर रहा था 120 पे, कहां अब करना पड़ रहा है 100 पर. तो कहां ज्यादा तेजी से होगी, स्पीड कहां फास्ट होगी? 120 पर. ठीक है, तो यहां दो बातें होती है सीएचओ में, या तो सामने वाला बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हो कि अटैक कर ही दे, उसे तो बस जरूरत है, थोड़ा सा भी वीक हुआ तो फिर ये देने को ही मना कर देगा. ठीक है, तो ये बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इस पे ईएसआर होता है या तो बहुत कम या नहीं होगा, और जब ओएच ग्रुप होता है तो ईएसआर होता है, बहुत आसानी से होता है बेंजीन के कंपेयर में. ठीक है, तो ये हमारे पास समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो. तो हमने बहुत अच्छे से बेंजाल्डिहाइड को भी कर लिया और फिनोल को भी कर दिया, तो ये हमारे पास क्लियर है कॉन्सेप्ट्स. अब एक टेबल बनाएंगे हम, हटा दूं मैं पहले ये. जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है प्लस एम माइनस एम ग्रुप. तो मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों बोला जा सकता है. तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम दो तरह से फिर क्लासिफाइड कर रहे हैं, इस जगह हमारा हेडिंग क्या रहेगा? क्लासिफिकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम टेबल के रूप में कर रहे हैं, सही है. तो हम दो तरह के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. फर्स्ट हमारे लिए रहेगा प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट, दूसरा रहेगा माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेजो भी है एक तरह से, रेजो का ही एक पार्ट है, तो हम आर भी बोल सकते हैं. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जो आप प्लस एम में देखेंगे? हम पहचान कैसे करेंगे कि ये प्लस एम है या माइनस एम है? सबसे पहला काम तो वही होता है. तो एक तरह से अगर आप सिंपल सा बात कर रहे हैं तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं ये, जो लोन पेयर आसानी से दे देते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग ही होंगे. तो जनरली दे आर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप. कंटेनिंग ग्रुप
जिनके पास डायरेक्ट लोन पेयर अटैच होगा, इसको समझिए आप, ऐसे होंगे ये ग्रुप। ये बेंजीन रिंग में, यहां जो भी एटम होगा एक्स, उसके पास एक लोन पेयर होगा और पाई बॉन्ड नहीं होगा, नहीं तो खींचने की टेंडेंसी भी रखने लग जाएगा। समझ में आ रही है? अब इसके पास वैलेंसी भले दो हो या तीन हो या चार हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर लोन पेयर है और वो लोन पेयर इस तरह से मूव करेगा। चलिए ये बात तो आपके पास आ गई, तो दूसरा आपके पास आएगा कि सर एग्जाम्पल क्या बनेंगे हमारे पास। आपने तो कह दिया लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जिसमें लोन पेयर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर क्या ये ग्रुप लोन पेयर रखता है या नहीं रखता। हाँ रखता है। एग्जाम्पल, क्या ये ग्रुप लोन पेयर रखता है या नहीं रखता? रखता है। तो मैं जनरल में इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी रख सकता हूं, कौन मुझे मना करेगा? तो मैंने आर भी लिख दिया। ये सब किस ऑर्डर में जाएंगे? प्लस एम वाले लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर रखता है? हाँ, यहां तो लोन पेयर है, डायरेक्ट अटैच है एटम के पास। बोलो यस और नो। तो ये भी इस तरह जाएगा। या फिर एक, ये सारे हमारे लिए क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। डायरेक्ट अटैच एटम के पास आपके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम है। एमाइड, समझ में आ रहा है? एमीन, टू डिग्री एमीन, ये सब लोन पेयर डोनर ग्रुप है, भृति लोन पेयर है, तो आराम से देंगे, कोई मतलब है ही नहीं। और कौन हो सकता है? एन लीजिए, माइनस आ गया, ठीक है। अब तो और आसानी से देंगे, ओ माइनस, ओ माइनस का मतलब 10 हैलोजन। मेसोमेरिक इफेक्ट देंगे या नहीं देंगे? देंगे। कोई भी हैलोजन ले लीजिए, लोन पेयर है, भले ही देने की टेंडेंसी कम है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट देंगे या नहीं देंगे? देंगे। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये सारे ग्रुप आपके लिए क्या है? प्लस एम। हाँ या ना? कोई और एग्जांपल बनाना चाहते हो तो आप आराम से बना सकते हो, बस उसके ऊपर लोन पे डाल दो और पाई बॉन्ड मत डालना। अटैच पाई बॉन्ड डालना, लेकिन इस एटम पे नहीं होना चाहिए, पास वाले एटम पे हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इज दैट क्लियर? तो लोन पेयर किस पे होंगे? जनरली हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, या आप जाना चाहते हो तो CH2-, कार्बन पे माइनस हो सकता है तो लोन पेयर आ गया, नाइट्रोजन बन चुका है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुका है, जो आपके पास बहुत आसानी से हो सकता है, या आप डायरेक्ट नाइट्रोजन ही लिख दो इसको NH2। इज दैट क्लियर? ये सारे ग्रुप हमारे लिए क्या है? प्लस एम। अब यहां क्या होगा? जनरली दे आर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप थे, तो यहां पर हम अलग तरह से लिखेंगे, माइनस एम ग्रुप। ये हमारे लिए फर्स्ट था जिसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसको हम ए टाइप, और ये हमारे लिए बी टाइप हो गया। अब यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, जनरली दे आर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, तो जनरली दे आर पाई बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप विथ कॉन्जुगेशन, जनरली दे आर पाई बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप फॉर एग्जाम्पल। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने पहले भी करा था, ये देखिए ये पाई बॉन्ड आ गया, बाकी अब मुझे यहां से कोई मतलब नहीं है, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा,
तो ये पाई वन कंटेनिंग ग्रुप हो गया, यस और नो। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सबसे पहले तो आपने यही बना दिया, अब आप बनाते जाएं, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, और बनाइए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देखिए ध्यान से देखिए, ये भी एसिड था लेकिन ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा था देखा जाए तो, और ये कार्बन की तरफ से जुड़ा हुआ है, तो अब डबल बॉन्ड रोल में आ गया। ये ऑक्सीजन का के पास लोन पेयर है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच में ही नहीं है। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे होंगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड तो लगाते ही है, फिर ओ आर एस्टर हो गया, डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर एसिड एनहाइड्राइड हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ। अब आप क्या लगाना चाहते हैं? NH2 amide हो गया। देखिए नाइट्रोजन से जुड़ता तो प्लस एम, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन से जुड़ रहा है तो माइनस एम। फर्क देखिए, आदमी वही, पहचान अलग अलग हो रही है, ठीक है? ये एमाइड हो गया, बहुत सही है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, NO, क्योंकि पाई बॉन्ड यहां पर भी है, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट NO2 ग्रुप, पाई बॉन्ड यहां पर भी है, एंड डबल बॉन्ड कोई भी ले लीजिए आप, और अब हमारे पास मुझे नाइट्रोजन ही लेना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है? लोन पेयर लेने वाले हैं, CH3+ एम्प्टी ऑर्बिटल है, लेगा या ले लेगा, ये छीनेगा, ये भी पक्का, तो डायरेक्ट प्लस चार्ज आ रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ले लेगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके पास कुछ एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप आराम से समझ सकते हो कि किस तरह से हमारे पास लोन पेयर ले सकते हैं। डबल बॉन्डेड तो बहुत अच्छी बात है ही, हम यहां तक तो सब जगह डबल बॉन्डेड ही कर रहे थे। इसको देखिए, NH3+, क्या ये छीनेगा? नहीं, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डू नॉट हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन चार से ज्यादा वैलेंसी तो रख नहीं सकता, चार हो चुकी है उसकी, तीन हाइड्रोजन और एक बेंजीन, तो ये प्लस एम ग्रुप नहीं है, ना ये माइनस एम है। हाँ, नाइट्रोजन प्लस होने की वजह से मैं इसको क्या बोल सकता हूं, माइनस आई ग्रुप बोल सकता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो फिलहाल तो हम जो चीज पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, तो ये इतने सारे हमने एग्जाम्पल कर लिए जो आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, सही है? तो प्लस एम माइनस एम अच्छे से समझ में आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल थे जो आपने कर लिए हैं। अब अलग डिफरेंस, थोड़ा और डिफरेंस हम बात करेंगे यहाँ पर, प्लस एम और माइनस एम के लिए दो दो डिफरेंस तो हमारे पास आ ही गए। तीसरा, थर्ड, प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, दे इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन पे ही रिएक्शन होती है लेकिन ये उसकी रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, सो दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। और फोर्थ नंबर पे जो आएगा, एक्टिवेटिंग होगा लेकिन किस पोजीशन पे होगा? ऑर्थो एंड पेरा, दे आर ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग।
पैरा डायरेक्टिंग। आप अच्छे से जानते हैं ऑर्थो पैरा ऑर्थो मेटा पैरा होता है पोजीशन। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्लियर क्लियर है आपके पास? फिर मैं वापस आ रहा हूं यहां पर। थर्ड पॉइंट दे डिक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। सो दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए आएगा, फोर्थ पॉइंट दे आर, ये था ऑर्थोपेरा, ये आएगा दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे, हाँ या ना? सही है। तो हर एक का अलग अलग इफेक्ट है। डिफरेंस आपने कर ही लिया। चलिए, तो ये फोर बहुत बड़े बड़े मेजर इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं जो आपके लिए एम और आर के लिए। इसके अलावा कोई और आपको डिफेक्ट, कोई और आप डिफरेंस देख रहे हो आप यहां पर? इसके अलावा जो भी आपने पढ़ा है, समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक है, हम यही अपना इस टॉपिक को ब्रेक करके अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि हमारा फिफ्थ डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास कुछ एक ऑर्थो डायरेक्टिंग है, कुछ एक पैरा डायरेक्ट मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा है और मेटा है, उनमें सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा, एक साथ कंपेरिजन। तो वो मैं यहाँ नहीं करके एक अलग से आर्टिकल में करूँगा। पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है, लिख लीजिए इनको। देखिए, हमने अभी तक इतना पढ़ा है लास्ट क्लास में कि कोई भी ग्रुप प्लस एम और माइनस एम कैसे पता लगाते हैं, लगाना हमने सीख लिया था कि अगर जो एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है उसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम, और पाई बॉन्ड है तो माइनस एम। पाई बॉन्ड भी और लोन पेयर भी है तो पाई बॉन्ड ज़्यादा ईजीली जाता है मूवमेंट, तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड की वजह से माइनस एम। समझ में आ रही है बात? तो अगला पॉइंट ये होता है कि अगर कोई आसानी से देगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा लोन पेयर होंगे या कुछ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज आना अपने आप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस एम होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस एम। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग माइनस एम को माइनस आर भी बोला जा सकता है। बेंजीन रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब होगी जब उसके ऊपर ओ माइनस जुड़ा हो। समझ में आ रहा है? फिर नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और आर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन जो काम करता है, आर यानी कार्बन उसका सपोर्ट करता है, खींचने में भी मदद करता है और देने में भी मदद करता है। तो यहाँ देना चाहता है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, तो कार्बन पीछे खड़ा हो जाता है, कहता है दे मैं तेरे साथ हूँ। हाइड्रोजन कोई मदद नहीं कर रहा है नाइट्रोजन की, तो आप ही बताइए किस बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जब नाइट्रोजन 3 डिग्री जुड़ा हो या 1 डिग्री जुड़ा हो। 1 डिग्री तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा। अब जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सारी रिएक्शन जिसमें ESR रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पर, वो सबसे ज्यादा होगी इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, फिर OH आता है। और कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन का दोस्त नहीं है, जो ऑक्सीजन करना चाहता है वो मना करता है, नहीं मत कर, उल्टा चलता है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, फिनोल की या एनिसोल की? OR फिनोल की, क्योंकि
आर उसकी रिएक्टिविटी को कम करता है, ऑक्सीजन का तो दुश्मन है और नाइट्रोजन का दोस्त है एम के केस में, ठीक है। यहां नाइट्रोजन कहता है मैं आसानी से दे दूंगा, लेकिन नाइट्रोजन का रेजोनेंस ऑलरेडी पहले रेजोनेंस है, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। जब दो दो जगह काम करेगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में उसकी मदद क्या होगी, कम। आप इतना तो जानते ही, ये मैंने खाली वैलेंसी जोड़ रखी है, इसका मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है, इस तरफ बेंजीन से, समझ में आ रहा है। तो ये बेंजीन को इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर ऑलरेडी इधर है इंगेज। यहां ऑक्सीजन भी इतना नहीं सपोर्ट कर पाएगा क्योंकि उसका दो दो जगह है, लेकिन नाइट्रोजन से तो फिर भी नाइट्रोजन से कम ही होगा क्योंकि नाइट्रोजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो इधर भी ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, इस तरफ भी। नेक्स्ट आर, आर कोई प्लस एम इफेक्ट नहीं शो कर रहा, नहीं शो कर रहा, लेकिन क्योंकि उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो देता है, इस कारण वो रिएक्टिविटी तो बढ़ा देगा, और उसी जगह उसकी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। फिनाइल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, एल्कीन बढ़ाएगा, फिर हाइड्रोजन और फिर एक्स, ये सारे वो ग्रुप हैं जब बेंजीन पे अटैच हो जाते हैं तो बेंजीन के की ईएसआर रिएक्टिविटी वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, समझ में आता है। अगर रेफरेंस पॉइंट अपने हाइड्रोजन बना दिया, नॉर्मल बेंजीन है, हाइड्रोजन का मतलब बेंजीन है, तो हेलोजन आने की वजह से क्या खास बात हो रही है कि रिएक्टिविटी तो कम हो रही है, रिएक्टिविटी क्या है कम हो रही है, तो कम हो रही है तो मुझे इसे यहां नहीं रख के कहां रखना चाहिए था, यहां। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि ये देता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रिएक्टिविटी कम है लेकिन काम ये इनकी तरह से कर रहा है, तो यानी ये क्या है, दोनों ही जगह इसकी कुछ ना कुछ पहुंच है, रिएक्टिविटी कम करता है लेकिन है ऑर्थो पैरा, तो मुझे इसको कहां रखना पड़ेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में ही रखना पड़ेगा, ऊपर वाला पार्ट में, समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हेलोजन के पास लोन पेयर भी है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लोन पेयर भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से तो वो खींचेगा, और लोन पेयर की वजह से उसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर आ जाएगा। कोई डाउट, समझ में आया। तो हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ईएसआर कहां होगा, ऑर्थो पैरा मेटा में, ऑर्थो पैरा पे, और बेंजीन के कंपेयर में उसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हेलोजन जुड़ी हुई है बेंजीन पर, तो बताओ बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, कम। डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑर्थो पेरा, जबकि नीचे वाले क्या है, रिएक्टिविटी कम कर देंगे और डायरेक्शन क्या रखेंगे, मेटा, और ऊपर वाले रिएक्टिविटी बढ़ा देंगे और डायरेक्शन क्या रखेंगे, ऑर्थो पेरा। और हेलोजन क्या करेगा, डायरेक्शन तो ऑर्थो पेरा रखेगा और रिएक्टिविटी कम कर देगा, यानी ये हेलोजन का अलग ही व्यवहार है, तो इसको स्पेशली रख दो, और स्पेशल केस स्टडी, स्पेशल केस है। पहला रिएक्टिविटी कम करेगा, कम भी करेगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑर्थो पेरा वाला ही देगा, पेरा वाला देगा, समझ में आ रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट आएगा वो कहां जाएगा, ऑर्थो पेरा वाला। ये सारे ग्रुप क्या करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग है, रिएक्टिविटी कम करेंगे, कम करेंगे प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑर्थो या मेटा, मेटा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर CHO पाई बॉन्ड आ गया, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, हेलोजन से भी ज्यादा कम करेंगे, समझ में आ रहा है। तो रिएक्टिविटी इसकी क्या रहेगी, कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या रहेगी, कम। तो माइनस आई इफेक्ट इसके कम, ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट क्या होता जा रहा है, सॉरी, माइनस एम इफेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है, और प्लस एम क्या होता जा रहा है, कम, समझ में आ रहा है। तो प्लस एम नीचे जाने पर प्लस एम क्या होता जा रहा है, कम, माइनस एम बढ़ रहा है, तो ये कम करेगा, ये भी कम करेगा, ये भी कम करेगा, ऑक्सीजन की वजह से और कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहां पर ये पाई इसके साथ भी इन्वॉल्व है तो ये बेंजीन के साथ कम इन्वॉल्व हो पाएगा, यहां पाई
इसके साथ भी इन्वॉल्व है और बेंजीन के साथ भी इन्वॉल्व है, कम हो जाएगा। आर कार्बन का क्या है इस जगह, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है आर, आर डायरेक्ट जुड़ा नहीं है कार्बन से, किससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, तो आर यहाँ पर उसके हर काम में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन, इस जगह कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि डायरेक्ट कार्बन से अटैच नहीं है उस जगह। तो और हेलोजन आ गया है तो ये रिएक्टिविटी और कम कर देगा, सी एफ थ्री और कम करेगा, सी एफ थ्री सी एन और कम करेगा, तो सबसे कम क्या करेगा एनओ टू। आप कहेंगे एनओ टू सम क्यों कर रहा है, यहां तो सब प्लस चार्ज दिख रहा है, यहां तो नाइट्रोजन में प्लस दिख ही नहीं रहा, दिखता है एनओ टू पे प्लस होता है, दिख नहीं रहा है आपको, नाइट्रोजन में प्लस होता है तो कार्बन बन जाता है और ऑक्सीजन पे माइनस, तो ये नाइट्रोजन प्लस है, तो एनओ टू ग्रुप सबसे कम डीएक्ट, सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है। तो जब अगर बेंजीन पे एनओ टू ग्रुप हो जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म। तो अगर बेंजीन के ऊपर एनओ टू ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कभी भी ईएसआर रिएक्शन नहीं देगा, इतनी कम रिएक्टिविटी हो जाती है, समझ में आ रही है, नहीं देगा। अब ये ईएसआर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक क्या, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा और एनओ टू पे होना यहां चाहिए था मेटा डायरेक्टिंग पे, लेकिन ऑलमोस्ट नहीं होगा। कुछ रिएक्शन है जिनके नाम ईएसआर यानी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन, बहुत सारी रिएक्शन है जो आप बाद में पढ़ेंगे। तो कौन सा ग्रुप देंगे, ये सारी ईएसआर है, बेंजीन से रिलेटेड सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट ईएसआर होती है जिसमें भी बेंजीन आता है। तो किस साइंटिस्ट ने क्या दिया वो अपन वहीं पढ़ेंगे, लेकिन ईएसआर आपको कभी भी आ जाए बेंजीन में, कौन फ्रिडल क्राफ्ट देगा या नहीं देगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ईएसआर तो मालूम है, ये आसानी से देंगे और ये नहीं देंगे। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये देंगे जब ये जुड़ रहे हैं और ये नहीं देंगे, बस खत्म, बात आ रही है बात समझ में। फिर बाकी तो हम डेप्थ में तो वहीं पढ़ेंगे जब हम वो रिएक्शन को पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक आइडिया से तो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। तो बेंजीन के अगर ऊपर सी एच ओ ग्रुप जुड़ जाए ये वाला, तो वो ई एस आर दे पाएगा क्या, नहीं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। और बेंजीन के अगर ऊपर ओ आर या ओ एच जुड़ गया तो वो आसानी से फ्रिडल क्राफ्ट जैसी रिएक्शन यानी ई एस आर देंगे, देंगे या नहीं देंगे, देंगे, समझ में आ रहा है। तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, कुछ एक्सेप्शन बनते तो वो वहीं पढ़ेंगे, और इज दैट क्लियर, उतार लीजिए पूरी लिस्ट उतार लीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक आप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंपेयर कर सकेंगे, सबसे ज्यादा इसमें फिर सबसे कम इसमें, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और हाइड्रोजन और हेलोजन के कंपेयर में हाइड्रोजन में ज्यादा होगी और हेलोजन में कम होगी, समझ में आ रही है बात। तो ये टेबल मुझे पूरी रट्टी हुई होनी चाहिए आपके, आ रही है बात समझ में, हाँ बोलो बेटा। हेलोजन ईएसआर बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो हो ही रहा है हाइड्रोजन के कंपेयर में, हाइड्रो बेंजीन के कंपेयर में कम देगा। हेलोजन में अगर अलग अलग हेलोजन होगी तो क्या रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन, हम कंपेयर करते हैं इस टॉपिक के बाद। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कंपेयर करिए, अगर हेलो बेंजीन पे अलग अलग हेलोजन जुड़े हुए हैं, कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन फॉलोइंग तो कंपेयर करते हैं, हमारे पास ये है बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, मान लीजिए ए बी सी डी ई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मैंने पहले ही बताया था आपको
हैलोजन आते हैं फिर, लेकिन हैलोजन में सबसे ज्यादा आएगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। नहीं, हो ये रहा है कि इनमें जब आपस में कंपेयर कर रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सेम है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज अप्रोक्सीमेट सेम, बट प्लस एम नेचर त्रास्तिक चेंज, मतलब ज्यादा चेंजेज हो रहा है, इज मोर चेंज एंड डोमिनेट, एंड डोमिनेट। तो सबसे ज्यादा आसानी से लोन पेयर कौन देगा ये, क्योंकि इसका लोन पेयर 2p है, इसका लोन पेयर 3p है, 4p है, 5p है, तो प्लस एम ग्रुप सबसे ज्यादा इसमें होगा। लेकिन जब इन सब में कंपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज वेरी हाई एंड डोमिनेट। एंड डोमिनेट भी कर जाएगा। तो देखिए रिजल्ट क्या रहा, फाइनल रिजल्ट क्या रहा, अगर आप रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट हैलोजन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग। तो आपसे अगर पूछे ऐसा कोई ग्रुप बताइए जो डीएक्टिवेटिंग हो लेकिन ऑर्थो पेरा हो, हैलोजन, बाकी सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, और बाकी सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो पेरा। तो ये एक रिजल्ट तो डीएक्टिवेटिंग ले रहा है और एक रिजल्ट ये ऑर्थो पेरा ले रहा है, इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इन नेचर एंड मूविंग फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन टू आयोडीन डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग फ्लोरीन सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो, और आयोडीन सबसे कम कर रहा है प्लस एम, तो डीएक्टिवेटिंग नेचर इंक्रीजेस डिक्रीजेस, डीएक्टिवेटिंग लिखा है, अगर मैं एक्टिवेटिंग लिख देता तो बात होती, डीएक्टिवेटिंग इंक्रीजेस, देखो ये सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा, डीएक्टिवेटिंग इनकेजेस, ये एक्टिवेटिंग सबसे कम होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो मूविंग फ्लोरीन टू आयोडीन एक्टिवेटिंग डिक्रीजेस, डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग डिक्रीजेस, डीएक्टिवेटिंग इनकेजेस, देख लो एक्टिवेटिंग डिक्रीजेस हो रहा है और डीएक्टिवेटिंग इनक्रीजेस होगा, समझ में आ रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है तो डीएक्टिवेटिंग सबसे ज्यादा होगा और एक्टिवेटिंग सबसे कम होगा। अगर आप एक्टिवेटिंग लिखना चाहते हैं और ज्यादा सही है एक्टिवेटिंग डिक्रीजेस, अगर आपको यह अच्छा लग रहा है ये लिख लीजिए ऊपर से उतार लो बस,